कलर ओएस वर्जन आप देख सकते हो विथ वर्जन 3.0.0 मिल जाएगा इसमें। एंड्रॉइड वर्जन आपको 9 मिल जाएगा देखने के लिए। बाकी आप जीपीयू की आपको यहाँ पे 8.17 मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा उसकी थी हमारी पिक्सल एक्सपीरियंस थी अब तक। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी के लेके आया हूँ एक और नई कस्टम रोम। ये हमारी GSI रोम है एक्चुअली। ये हमारी कलर OS है, रियलमी की रोम है। मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ इसकी। मैंने अभी रेडमी 5 में फ्लैश कर रखे हैं। ये आप किसी भी फ़ोन में फ्लैश कर सकते हो। जो हमारे टेरेबल रोम होते हैं, टेरेबल बेस्ड फ़ोन होते हैं, उसमें आप किसी भी रोम किसी भी डिवाइस में फ्लैश कर सकते हो। बस आपको टेरेबल इनेबल करना पड़ेगा अपने डिवाइस में। चलिए, यहाँ पे मॉडल यहाँ पे अननोन दिखा रहा है यहाँ पे भी। ये पता कौन से फ़ोन से बोटेड है। ये कलर OS वर्जन आप देख सकते हो विथ वर्जन 3.0.0 मिल जाएगा इसमें। एंड्रॉइड वर्जन आपको 9 मिल जाएगा देखने के लिए। पाई मिल जाएगा आपको इसके अंदर। प्रोसेसर यहाँ पे आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा। यहाँ से रैम आपको मिल जाएगी। यहाँ पे स्टोरेज आपको 9 GB के आसपास मिल जाएगी इसके अंदर फ्री। और मैंने इसमें 12 सिम इंस्टॉल कर रखे हैं। हमारा BSNL का है, जियो का है, हमारा जियो वोल्ट। इसके अंदर वोल्ट आपको नहीं मिलता। इसके अंदर आपको जियो वर्क नहीं करने का, इसके अंदर कॉल नहीं आने की आपकी। यहाँ पे 4G बिल्कुल ओके वर्किंग है इसमें। और यहाँ पे वाईफाई की बात करूँ मैं, यहाँ पे वाईफाई हमारा हॉटस्पॉट बिल्कुल भी वर्क नहीं करता इसके अंदर। बाकी आप टेरेबल, बाकी आप वेंडर पे भी डिपेंड करता है, आप कौन सी रोम यूज़ कर रहे हो वेंडर के लिए, इस पर भी डिपेंड करेगा। सभी डिवाइसेस में अलग अलग बग्स होंगे। इस रोम को अपने रिक्स पे फ्लैश करना आप। यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ बिल्कुल ओके वर्किंग है और वाईफाई और उसका बग मिलेगा आपको इसके अंदर। नोटिफिकेशन स्टेटस बार में चलते हैं, यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज मिल जाएगी और रियल टाइम नेटवर्क स्पीड मिल जाएगी इंटरनेट की आपको यहाँ पे देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो। डिस्प्ले में हमारी ब्राइटनेस बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी ब्राइटनेस को। यहाँ पे बिल्कुल ये भी नहीं वर्क करता हमारा वार्म और कूल, ये बिल्कुल वर्क नहीं करता इसके अंदर। ऑटो रोटेट स्क्रीन भी वर्क नहीं करती इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे सेटिंग में तो ऑटो रोटेट हो नहीं रहा है। मैं किसी ऐप में करके दिखा दूंगा आपको अभी। इसमें वर्क ज़्यादा है तो अपने रिस्क पे फ्लैश करना है। नाइट शील्ड भी वर्क नहीं करने की यहाँ पे। डिस्प्ले में तो सारा कुछ वर्क नहीं कर रहा है इसके अंदर। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन मिल जाएगी आपको यहाँ पे। थीम्स मिल जाएंगे आपकी GSI रोम है, इसमें आपको बग्स मिल जाएंगे देखने के लिए। तो अपने रिस्क पे फ्लैश करना है। यहाँ पे आपको एक ही थीम मिलेगी, बाकी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे वॉलपेपर मिल जाएंगे आपको, लाइव वॉलपेपर तो मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। साउंड एंड वाइब्रेशन में चलते हैं। यहाँ पे वाइब्रेशन और साउंड चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन हमारी साउंड बिल्कुल ओके वर्किंग है इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो म्यूजिक बिल्कुल ओके है। यहाँ पे हमारी जो साउंड है, साउंड क्वालिटी बिल्कुल ओके है इसके अंदर। टच स्क्रीन आपको मिल जाएगी साउंड इसके अंदर। वाइब्रेशन भी हमारा बिल्कुल ओके वर्किंग है इसके अंदर। फिंगरप्रिंट फेस एंड लॉक चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम। फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं, हमारा फिंगरप्रिंट वर्क करता नहीं करता इसके अंदर। 1-2-6 रख रहा हूँ मैं इसके अंदर। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं हम अपना फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करता दोस्तों इसके अंदर। ये देख सकते हैं यहाँ पे वापस आ जाएगा। फेस एंड लॉक चेक कर लेते हैं यहाँ पे अपना, इसमें बग्स ज़्यादा है। एनरोल फेस अनलॉक भी शायद ही वर्क करेगा, देख लेते हैं एक बार। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट हमारा बिल्कुल भी वर्क नहीं करता इसके अंदर। ये हमारी वेंडर पे भी डिपेंड करता है, तो अपना वेंडर देख सकते हो कौन सी आप रोम का वेंडर यूज़ कर रहे हो। मैंने इसमें RR का यूज़ करा है इसके अंदर। आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, डिले जो है इसका भी कर सकते हो आप, पिक्सल एक्सपीरियंस का भी यूज़ कर सकते हो इसमें। बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप ये इंस्टॉल ना करो तो यार ठीक है। यहाँ की परफॉर्मेंस तो ठीक मिल रही है, बाकी फीचर्स कुछ भी वर्क नहीं कर रहे इसके अंदर। ना हमारा फिंगरप्रिंट वर्क करता, ना फेस अनलॉक वर्क करता इसके अंदर। गूगल का तो बात ही छोड़ो, गूगल भी वर्क नहीं करती इसके अंदर। यहाँ पे आप गूगल ID लॉगिन नहीं कर सकते। आपको फ्लेम गैप्स, जो हमारे फ्लेम गैप्स है वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा दोनों फाइल्स का। ए और AB का चेक कर लेना कौन सी आपकी आपका डिवाइस सपोर्ट करता है, ए ओनली या AB का। यहाँ पे एंटू 2 बेंचमार्क टेस्ट देख लेते हैं कितना वो परफॉर्मेंस मिलता है इसके अंदर। कैसे सबसे लो परफॉर्मेंस मिल रही है हमें यहाँ पे फ्लाइम के बाद। पहले सबसे लो फ्लाइम की थी, अब इसकी है हमारी GSI रोम की। ये आप देख सकते 79536 मिल जाएगी आपको देखने के लिए परफॉर्मेंस में। CPU की आपकी इतनी मिल जाएगी आपको, 6464 RAM मिल जाएगी आपको। बाकी आप GPU की आपको यहाँ पे 8.17 मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा उसकी थी हमारी पिक्सल एक्सपीरियंस की अब तक। मेमोरी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। UX आपको डाटा प्रोसेसिंग स्पीड आपको मिल जाएगी यहाँ पे। आपको यहाँ पे ये डिवाइस हीट बहुत हो रहा है यहाँ पे, 3.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है इसके अंदर GSI रोम में हमारी। तो ये गेमिंग के लिए इतनी ज़्यादा, अगर आप गेमिंग करोगे तो आपका हीट बहुत ज़्यादा होएगा फ़ोन, तो इसका ध्यान रखना। हीट बहुत ज़्यादा होएगा और लैग भी होएगा, मतलब पिक्सल एक्सपीरियंस का आप देख सकते हैं 9500 था, इसका 8817 केवल 800 का कुछ डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। आपको 600 का डिफरेंस मिल जाएगा इसके अंदर आपको।
3% आपकी बैटरी ड्रॉप हुई थी। बाकी सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, अगर आपको ये इंस्टॉल करनी है तो आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और आपके फ़ोन में डेटा बार भी फ्लैश होना चाहिए। आपका फ़ोन टेरेबल सपोर्ट होना चाहिए। टेरेबल सपोर्ट में आने के लिए आपको कोई भी टेरेबल रोम अपनी फ्लैश कर देनी है अपनी रोम में, मतलब GSI फ्लैश करने से पहले आपको टेरेबल सपोर्ट बनाना पड़ेगा। कोई भी रोम फ्लैश करना तो भी टेरेबल सपोर्ट हो तो फिर आपको बाद में, अभी मैं आपको बताता हूँ इंस्टॉलेशन कैसे करनी है आपको। आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, आपको भी बटन सा मिल जाएगा जो भी है, यहाँ पे स्क्रीन शॉट यहाँ से आप ले सकते हो डायरेक्टली। आप देख सकते हो स्क्रीन शॉट बिल्कुल ओपन करती है इसके अंदर। बाकी कोई कोई फीचर जो है वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको देखने के लिए, तो वर्क करते नहीं करते हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। या आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हमारी बिल्कुल ओके वर्किंग है इसके अंदर। बाकी आपको टच भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिल्कुल ओके वर्किंग है। आप देख करते हैं, यहाँ पे क्लोज हो जाएगी हमारी। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे आई है हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। गूगल प्ले स्टोर में आपको पहले से मिलेगा। बाकी आपको फ्लेम, अगर आपका गूगल प्ले स्टोर नहीं चल रहा तो आपको फ्लेम गैप्स आपको फ्लैश करने पड़ेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकवरी मोड में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बैकअप के लिए डाटा आपको 5 आइटम सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ से आपको स्वाइप टू बैकअप करना है। हमारा इंटरनल स्टोरेज अभी फॉर्मेट होएगा तो अपनी इंटरनल स्टोरेज पे बैकअप मत करना। चलिए इसके बाद बैकअप कंप्लीट होने के बाद आपको वाइप पे क्लिक करना है। यहाँ से फॉर्मेट डाटा आपको यहाँ से यस टाइप कर देना है सिंपली। यहाँ से जो हमारी इंटरनल स्टोरेज होगी, जो हमारी फाइल्स पड़ी होगी, सब फॉर्मेट हो जाएगी इसमें से। इसके बाद आपको बैक जाना है, फिर से बैक जाना है। यहाँ से एडवांस वाइप पे क्लिक करना है। अब आपको डॉल्विक सिस्टम डाटा कैच और वेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 आइटम सेलेक्ट करनी है। यहाँ से स्वाइप टू बैकअप कर देना है, यहाँ से स्वाइप टू वाइप। यहाँ से कम्प्लीट होने के बाद आपको फिर से बैक जाना है। आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। आपको पहले अपना टेरेबल रोम आपको फ्लैश करनी है। पहले मैं RR यूज़ कर रहा हूँ इस रोम में। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर लिया अपने टेरेबल रोम। RR देख सकते हो आप, RR यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें। ओरियो वर्जन है यहाँ पे। स्वाइप टू आपको कन्फर्म करना है, रेडमी 5 रोजी के लिए है बस ये। अगर आपको टेरेबल रोम चाहिए तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, बस यहाँ पे नाम लिखना है आपको RR रोम 4 जो भी आपका डिवाइस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलिए फ्लैश कर देते हैं इस रोम को। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी रोम है टेरेबल रोम है, हमने फ्लैश कर लिया सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे सक्सेस रिजल्ट वाज अपडेट था ना, यहाँ पे आपको सिंपली रिबूट कर दे रहा है सिस्टम। मैंने रिबूट कर लिया था पहले, मैंने फिर यहाँ से रिबूट कर लेते हैं अपना सिस्टम। यहाँ से सिंपली आपको रिबूट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सिस्टम पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको रिबूट हो जाएगा डिवाइस। तो अगर आप RR यूज़ करो तो आपको पहले रिबूट करना जरूरी है। पहले आपको होम पेज पर जाना पड़ेगा ना, फिर आपको वापस TDY भी मैंने है। चलिए यहाँ पे होम पेज पे चल जाता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं होम पेज पे आ गया था। यहाँ से आपको होम पेज पे TDY भी मैंने, बाद आपको वाइप पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको एडवांस वाइप डॉल्विक सिस्टम डाटा कैच, आपको वेंडर नहीं सिलेक्ट करा, हमें वेंडर चाहिए बस इस रोम का, सिर्फ वेंडर चाहिए। यहाँ से स्वाइप टू वाइप कर देना है। आपको देख सकते हो यहाँ पे हमारा वाइप हो चुका है कम्प्लीट। यहाँ पे वेंडर मैंने सेलेक्ट नहीं करा था, वेंडर आपको सेलेक्ट नहीं करना। इसके बाद आपको बैक जाना है, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ से इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर OS लिखा हुआ है, यहाँ पे कलर OS ए ओनली, हमारा ए ओनली डिवाइस है रेडमी 5। तो अगर आपका ए है तो आपको ए वाला डाउनलोड करना है, अगर आपका ए बी है तो आपको ए बी वाला डाउनलोड करना है। सीधे क्लिक करना है, यहाँ पे सिस्टम इमेज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्वाइप टू कन्फर्म कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हो हमारी जो फ्लैशिंग है सिस्टम इमेज की वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमारी कलर OS रोम जो है फाइनली स्टार्ट हो चुकी है फ्लैशिंग उसकी। इसे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी फ्लैशिंग ऐप कम्प्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको सिंपली रिबूट कर देना सिस्टम। यहाँ से आपको स्वाइप टू कन्फर्म करना है। यहाँ से पहले आपको MI का लोगो मिल जाएगा देखने के लिए, फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर आपको रियलमी का लोगो मिल जाएगा कलर OS रोम का। यहाँ से आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके आपकी बूट होगी डिवाइस। कम से कम आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बूट हो जाएगी डिवाइस। 10 मिनट से कम वेट मत करना। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे रियलमी का लोगो मिल जाएगा कुछ ऐसा सा देखने के लिए। आपको सिंपली बस आपका बूट हो जाएगा डिवाइस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बग्स मैंने बताए थे वो आपके फिक्स नहीं होनेगे इसमें। मैंने ट्राई कर लिए थे सारे, जो भी ब्राइटनेस का सारे जितने भी अवेलेबल थे मैंने सब ट्राई कर लिए थे फिक्स, कोई बग नहीं करा था इसमें GSI रोम में। चलिए, फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में देखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।